हम सब बहने धन्यवाद 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 धन्यवाद। हम सब जानते हैं कि कल जब ये अद्भुत पल इतिहास बने, हमारे राष्ट्रनायक हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का तिथि के रूप में जन्मदिवस था, और इस जन्मदिवस के अवसर पर देश की आधी आबादी को उपहार देने का काम माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और इस सोच के साथ कि मां भारती के उज्जवल भविष्य में मातृशक्ति की भी सहभागिदारिता हो, और इस भाव के साथ कि जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पग की गति न रुकेगी, आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को बिना झुके न रहेगी, ये इतिहास रचने का काम किया। मैं बड़े सम्मान के साथ और आदर के साथ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो हम सब बहनों को मार्गदर्शित करने का कष्ट करें। हम सब बहनें जोरदार तालियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। मैं आज देश की हर माता को, हर बहन को, हर बेटी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। कल और परसों 20 और 21 सितंबर को हम सबने एक नया इतिहास बनते देखा है, और हम सबका सौभाग्य है कि इतिहास बनाने का अवसर कोटि कोटि जनों ने हमें दिया है। आने वाली अनेकों पीढ़ियों तक इस निर्णय की चर्चा होगी, इस दिवस की चर्चा होगी। मैं पूरे देश को नारी शक्ति बंधन अधिनियम संसद के दोनों सदनों में और भारी बहुमत से और राज्यसभा में तो सर्वसम्मति से पास होने की बहुत बहुत बधाई देता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, अन्य सभी वरिष्ठ साथी, और आज मैं देश की माताओं बहनों को भी यहां दूर से प्रणाम करता हूं। कभी कभी किसी निर्णय में देश के भाग्य को बदलने की क्षमता होती है, और आज हम सभी ऐसे ही एक निर्णय के साक्षी बने हैं। संसद के दोनों सदनों द्वारा नारी शक्ति बंधन अधिनियम रिकॉर्ड मतों से पारित किया जा चुका है, जिस बात को देश को पिछले कई दशकों से इंतजार था वो सपना अब सच हुआ है। ये पूरे देश के लिए बहुत ही खास समय है। ये भाजपा के हर एक कार्यकर्ता के लिए भी बेहद खास दिन है। आज हर नारी का आत्मा आत्मविश्वास, हर नारी का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। पूरे देश की माताएं बहनें और बेटियां
आज खुशी मना रही हैं, हम सबको आशीर्वाद दे रही है। साथियों, कोटि कोटि माताओं बहनों के सपने को पूरा करने का सौभाग्य हमारी भाजपा सरकार को मिला है और इसलिए राष्ट्र को सर्वप्रथम मानकर चलने वाली पार्टी के रूप में, भाजपा कार्यकर्ता के रूप में, मैं एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में, ये हमारे लिए बहुत बड़ा दिन होने का गर्व अनुभव कर रहे हैं। नारी शक्ति बंधन अधिनियम ये कोई सामान्य कानून नहीं है, ये नए भारत की नई लोकतांत्रिक प्रतिबद्धता का उद्घोष है। ये अमृतकाल में सबका प्रयास से विकसित भारत के निर्माण की तरफ बहुत बड़ा, बहुत मजबूत कदम है। महिलाओं का जीवन स्तर सुधारने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर करने के लिए विमेन लेड डेवलपमेंट का नया युग देश में लाने की जो गारंटी मोदी ने दी थी, ये उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। मेरे देश की हर माता बहन और बेटी को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे परिवारजनों, लोकतंत्र में महिलाओं के लिए इस कानून से बीजेपी महिलाओं की भागीदारी से के लिए 3 दशक से प्रयास कर रही थी। यह हमारा कमिटमेंट था और आज हमने उसे पूरा कर दिया है। महिला आरक्षण सुनिश्चित कराने वाले इस कानून की राह में तरह तरह की बाधाएं थी, दशकों पुराने अड़ंगे थे, लेकिन जब नियत पवित्र होती है, प्रयासों में पारदर्शिता होती है, तो परेशानियों को पार करके भी परिणाम लाती है। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है कि इस कानून को सदन में इतना व्यापक समर्थन मिला। नए संसद भवन में पक्ष विपक्ष की सीमाओं से ऊपर उठकर करीब करीब सबने इसके पक्ष में वोट दिया। मैं इसके लिए सभी राजनीतिक दलों का और सभी सांसद साथियों का भी अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, भारत को विकसित बनाने के लिए आज भारत की नारी शक्ति को खुला आसमान देने का ये अवसर है। आज देश माताओं बहनों बेटियों के सामने आने वाली हर अड़चन को दूर कर रहा है। इसी सोच के साथ बीते 9 वर्षों में हमने माताओं बहनों से जुड़ी हर बंदिशों को तोड़ने का प्रयास किया है। हमारी सरकार ने एक के बाद एक ऐसी योजनाएं बनाई हैं, ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे हमारी बहनों को सम्मान, सुविधा, सुरक्षा और समृद्धि का जीवन मिले।
हमने बहनों बेटियों के जीवन चक्र से जुड़ी हर समस्या को दूर करने पर भी पूरी गंभीरता से ध्यान दिया है। गर्भावस्था के दौरान शिशु को पौष्टिक खाना मिले इसके लिए हमने मातृ वंदना योजना चलाई, महिलाओं के बैंक खाते में पैसे भेजने शुरू किए, माता मृत्यु को रोकने के लिए, नवजात बच्चों की रक्षा के लिए हमने शिशु का जन्म अस्पताल में ही कराने का बहुत बड़ा अभियान चलाया। बेटी को कोख में ही न समाप्त कर दिया जाए इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे जन आंदोलन भी शुरू किए।